तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं ये सुपर BS6 न्यू मॉडल है। आप लोग जानते होंगे इसको। और ये मैंने फुल गाड़ी क्यों खोला है, इसकी वजह क्या है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है कि नई गाड़ी अभी ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते की हुई अभी। देखना आप, इसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, एक ही हफ्ते में पूरा इंजन इसका क्यों खुल गया, इसकी वजह क्या है आपको भी बताएंगे हम। वीडियो देखते रहना। इस वीडियो में प्रॉब्लम है इसकी इंजन की, इसमें आयल ना पड़ने की वजह से ये इंजन सीज हो गया है। इसकी वजह से इसका फुल इंजन मैंने अभी खोल दिया है। और देखिए इसका इंजेक्टर है, ये जिसको आप बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर, जो हमारा कार्बोरेटर जैसे होता है पहले वाली गाड़ियों में, ये हमारा कार्बोरेटर की जैसा काम करता है बिल्कुल वैसा ही है। इसमें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, इसी की वजह से इसको कहते हैं फ्यूल इंजेक्टर। ये देखिए, ये है फ्यूल इंजेक्टर। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये इसका सेल्फ मोटर है जो इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। हाँ, तो आप लोगों को मैं इसके बारे में बताना चाहता था, ये बता रहे थे इसकी वजह से मेन सॉकेट इसकी ये होती है। जब तक ये सॉकेट हमारी नहीं लगेगी इसमें, तब तक के जो है हमारा इसमें एक हिसाब से इसमें हमें करंट जाता है। करंट जाने के बाद हमारा तभी हमारा ECU जो होता है, ECU सेंसर उसको कहते हैं, वही सबका समझ लो गुरु होता है। जैसे सब सेंसर लगे हैं इसमें, पंच वाल वगैरह हुआ, बैक इंजन सेंसर हुआ, जैसे कि बहुत सारे सेंसर होते हैं, वो सब सेंसर उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको संकेत करते हैं, तब जाके हमारा ये फ्यूल इंजेक्टर जो होता है तब इंजन को पेट्रोल देता है। जैसे कि पहले हमारी ये पाइप जो है, ये हमारी पाइप पेट्रोल टैंक में लगी होती है, वहाँ से हमारा जब मोटर काम करेगा तभी इसमें पेट्रोल होगा। उसके बाद फिर यहाँ से जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम, तब जाके हमारा इंजेक्टर जो होगा तब पेट्रोल हमारा हेड पर देगा, तब जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। और सबसे मेन बात होता है जो यहाँ पे छोटा वाला लगा है, इसे ये इंजेक्टर के अंदर जो इसको हम टी बोल सकते हैं, टी, ये टी जो हमारा अगर लून गैस पकड़ा आ गया तो हमारा यहाँ पर ये तेल नहीं पास करता, हेड पे तेल नहीं देता है। ये जो 10 नंबर दो बोल्ट लगे हैं आप देख रहे हैं, जो 10 नंबर बोल्ट लगे हैं इसी में हमारा जो लगा है टी, जैसे कि हमारा टी अगर ज़्यादा गंदा हो जाए या कचरा इसमें चला जाए तो इसको 10 नंबर बोल्ट से खोल के हम साफ़ कर सकते हैं एयर मार के। और उसके अंदर बहुत सा जो होता है पेट्रोल, जहाँ से हमारा छेद होता है पेट्रोल जाने का, उस पर शीशा लगा होता है हल्का सा, आपको खोल कर नहीं दिखा सकते लेकिन आपको हम ऐसे बता रहे हैं। उस पर ज़्यादा एयर भी नहीं मारना चाहिए, एयर मारने से क्या होता है उसका शीशा होता है वो टूट भी सकता है, ज़्यादा अगर हम तगड़े से एयर मारेंगे तब। और इसमें एक और बना दिया सिस्टम है, जैसे हमारी CDI होती है, बहुत सी गाड़ियों में से स्प्लेंडर हुई, डीलक्स हुई, HF 100 हुई, तो उसमें पीछे की ओर देते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, लेकिन इसमें सुपर में क्या है, इसको CDI को यहाँ पे रख दिया, CDI यहाँ पर लगा दिया है। देखिए कंपनी की सबसे अहम बात यह होती है, कोई भी चीज़ एक तरह नहीं देते हैं, वो हर बार एक नया ही बनाने का सोचते हैं। जैसे कि BS6 में इतने सारे सेंसर दे दिए हैं, शायद बाहर का मैकेनिक घबरा जाएगा इनको देखकर। देखिए कितनी सॉकेट है, ये सिर्फ सॉकेटें हमारी सब इंजेक्टर के लिए हैं, जैसे कि ये भी इंजेक्टर के लिए है, ये भी हमारी इंजेक्टर के लिए है, और ये वाली भी हमारी शायद ये कहाँ जाएगी, इंजेक्टर के लिए है,